आपके 20 लोगों की कमेटी मेरे साथ बैठ जाएगी, मानदेय कैसे लागू करना है, कितना लागू करना है, आपके मन में जो मानदेय है ये मेरी गारंटी है उससे अच्छा लागू करेंगे आप निश्चित। राशन डीलर समन्वय समिति के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मानदेय की मांग को लेकर जयपुर में विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रत्येक जिले से राशन डीलर पहुंचे। राशन डीलर की 4 समितियों के एकीकरण के बाद हजारों की संख्या में राशन डीलर ने जयपुर में पड़ाव डाला। इस मौके पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह काचरियावास स्वयं सम्मेलन में राशन डीलरों के मंच पर उपस्थित हो गए। इस मौके पर काचरियावास ने अपने संबोधन में विभिन्न घोषणा की, साथ ही राशन डीलर को मानदेय की मांग से भी अच्छी घोषणा करने का आश्वासन दिया। आने वाले बजट में काचरियावास ने कहा कि वे मानदेय से भी और अच्छा प्रस्ताव राशन डीलरों के लिए रखेंगे ताकि राशन डीलर को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं दुकानों पर जाकर राशन डीलर को गेहूँ बांटते हुए देखा है और राशन डीलर की भारी परेशानी को समझा है। इस मौके पर काचरियावास ने भगवान राम के बारे में विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम है। काचरियावास ने कहा कि अगर आपकी दुकान पर आकर कोई इंस्पेक्टर आप पर दबाव बनाता है या आपसे किसी तरह की मांग करता है तो आप तुरंत मेरे पास आएं, मैं ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दूंगा। आपके 20 लोगों की कमेटी मेरे साथ बैठ जाएगी, मानदेय कैसे लागू करना है, कितना लागू करना है, आपके मन में जो मानदेय है ये मेरी गारंटी है उससे अच्छा लागू करेंगे आप निश्चित। और ये जो संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कही है ये भी एक लीगल इश्यू है, क्योंकि आज यदि हम एक कर्मचारी लगाते हैं तो वो अकेला कर्मचारी राशन का गेहूं नहीं बांट सकता, ये पूरा परिवार लगता है तब राशन का गेहूं बिकता बढ़ता है। ये तो कोई धागा कर्म बढ़िया खेड़ा जो ऊपर वाला की दया है धागे ऊपर मान लीजिए। इसलिए आप ये मानकर चलिए जब भगवान साथ देते हैं तो मेरे में भी ताकत आती है, आप में भी ताकत आ रहा है। राम से बड़ा राम का नाम, आपको पता है भगवान द ग्रेट भगवान मेरे राम ने कितना बड़ा काम किया। जब रावण को मारने गए तो हमारे राम ने किसकी पूजा की, भोलेनाथ, भोलेनाथ की रामेश्वरम में पूजा की, का हे भोलेनाथ, हे महादेव मुझे शक्ति दो, मैं रावण से लड़ने जा रहा हूँ। भगवान राम ने हमको सिखाया जिसमें विनम्रता होगी, जो हाथ जोड़कर भगवान से ताकत मांगेगा भगवान उसको ताकत देंगे। रावण तो महादेव का भक्त था लेकिन भगवान राम ने जब हाथ जोड़कर साथ मांगा तो महादेव का आशीर्वाद राम को मिला और रावण मारा गया, ये ध्यान रखना। और जब भगवान राम और रावण लड़ रहे थे तो 7वें 8वें दिन एक दिन ऐसा आया जब भगवान राम की सेना कमजोर पड़ रही थी, तो भगवान राम के एडवाइजर बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा भगवान आप तो अब शक्ति की पूजा करो। भगवान राम ने शक्ति की पूजा की माता जी, और माता जी के जब एक फूल कम पड़ रहा था अपनी आंख निकालने लगे तो माता जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर कहा ये राम क्या कर रहे हो आप, भगवान मैं आपके साथ हूं, तो भोलेनाथ और माता जी की ताकत लेकर रावण को मार दिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, और कृष्ण ग्रेट थे वो भी अलग थे, वो बोले मैं सबका बाप हूं। कृष्ण तो कृष्ण थे, अर्जुन को कह दिया अर्जुन यदि मैं तेरे साथ नहीं होता, तेरा रथ मैं नहीं चला रहा होता, हम काचरियावास वाले राम के वंशज है लेकिन गोपीनाथ जी का इष्ट है हमारे गोपीनाथ जी कृष्ण। और तब उन्होंने कहा अर्जुन यदि तेरा रथ मैं नहीं चला रहा होता और तेरे झंडे पर बजरंग बली नहीं होते, तेरे और करण के युद्ध में तू नहीं करण जीत रहा होता, ये ध्यान रखना। तो कृष्ण सबको औकात दिखा देते थे, हमें अपना काम करना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, आपकी जितनी मांगे मैंने बोली है, ये आपके नेता एक कमेटी उठा के बढ़ रही है।
बैठ जाना और सही टाइम पर सम्मेलन बुलाया था वो नेता और डिंपल कुमार शर्मा और आगे पूरी टीम ने कैलाश जी होशियार है। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे, स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें, प्रारंभ कर रहे हैं हम। अब जयपुर संभाग, यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।